गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग आज तीसरा क्वेश्चन इसका देखेंगे। कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट में ट्रिकोनोमेट्रिकल फॉर्मूला को कैसे हम प्रूव करते हैं। जैसे दिया हुआ रहेगा कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का ही क्वेश्चन है। आर्गुमेंट ऐसे तो इलेवन ट्वेल्व में हम लोग दूसरे तरीका से इसको प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ जब भी प्रूव करना होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के माध्यम से ई टू पावर आई एस और ई टू पावर माइनस आई एस के फॉर्म में लाकर तब हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट, पहला तो बताया था, सेकेंड है साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए हम बताए थे कि साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है, साइन एक्स का वैल्यू एक्सपोनेंशियल में होता है ई टू पावर आई एक्स माइनस ई टू पावर माइनस आई एक्स बाई टू वाई, जबकि कॉस एक्स का वैल्यू होता है ई टू पावर आई एक्स प्लस ई टू पावर माइनस आई एक्स बाई टू। तो इसी फॉर्मूला के सहारे इस चीज को हमको प्रूव करना है, न कि अब इलेवन ट्वेल्व में जो पढ़े हैं उसको। तो अब देखिए कि एक्स की जगह अगर साइन एल एच एस में है, एल एच एस में साइन है एक्स प्लस वाई, तो एक्स के प्लेस पर क्या है, एक्स प्लस वाई है। तो इस फॉर्मूला पर रखिएगा तो हो जाएगा ई टू पावर आई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ई टू पावर माइनस आई इंटू एक्स प्लस वाई, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो टू आई हो जाएगा। इसको इक्वेशन मानकर तो एल एच एस का एक्सपोनेंशियल वैल्यू एक हमको आ रहा है। अब आर एच एस से भी दिखाएंगे कि वैल्यू आर एच एस से भी इतना ही आएगा, तो हम कह देंगे कि साइन एक्स प्लस वाई जो है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई के इक्वल है। आर एच एस लेकर हम चलें तो आर एच एस में आपको है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस है कॉस एक्स इंटू साइन। अब देखो साइन एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा ई टू पावर आई एक्स माइनस ई टू पावर माइनस आई एक्स बाई टू वाई, और इसमें मल्टीप्लाई कितना होगा कॉस कॉस वाई का मतलब एक्स के जगह वाई आ जाएगा ई टू पावर आई वाई प्लस ई टू पावर माइनस आई वाई बाई हो जाएगा टू प्लस यहां देखो कॉस एक्स है तो ई टू पावर आई एक्स प्लस ई टू पावर माइनस आई एक्स बाई टू हो जाएगा इंटू साइन वाई का ई टू पावर आई वाई माइनस ई टू पावर माइनस आई वाई बाई आ जाएगा टू। तो देखिए डेनोमिनेटर में जो है फोर आई इसमें भी है फोर आई इसमें भी है, तो वन बाई फोर आई को कॉमन ले लीजिए। अब इस दोनों को गुना कर तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा e टू पावर i इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, क्योंकि तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बेस है बेस दोनों का मल्टीप्लाई होता है। फिर प्लस क्या हो जाएगा e टू पावर i इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया फिर माइनस हो जाएगा e टू पावर माइनस i इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, अब फिर माइनस हो जाएगा e टू पावर माइनस आई इंटू एक्स प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हो जाएगा प्लस ई टू पावर आई इंटू एक्स प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, और फिर हो जाएगा माइनस ई टू पावर आई इंटू एक्स माइनस वाई, फिर क्या होगा प्लस ई टू पावर माइनस आई कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई, अब माइनस हो जाएगा e टू पावर माइनस आई इंटू माइनस कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई माइनस आई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो अब यहां देखिए a देखिए प्लस में है और ये माइनस में है तो a कैंसिल हो जाएगा, अब फिर यहां पर a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में रिजल्ट बच गया, वो बच रहा है वन बाई फोर आई इंटू टू इंटू ई टू पावर आई इंटू एक्स प्लस वाई
और क्या बच रहा है, माइनस बच रहा है, टू इंटू e टू पावर माइनस आई इंटू एक्स प्लस वाई, टू से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा e टू पावर आई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस e टू पावर माइनस आई इंटू एक्स प्लस वाई बाई टू वाई। इसको इक्वेशन टू कर दिया तो दोनों का एल एच एस का वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों क्या रहा है, सेम हो रहा है। तो रॉन्ग इक्वेशन वन एंड टू, रॉन्ग इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू एल एच एस इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, आर एच एस दोनों का वैल्यू सेम मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, अब प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन। इसी तरह से कॉस एक्स प्लस वाई को हम लोग कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद साइन टू एक्स है, कॉस टू एक्स है, टेन एक्स प्लस वाई, जितना भी क्वेश्चन है इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन को बताएंगे। आज का क्लास में इतना ही तक, थैंक यू।